शुभम का टेक्स्ट आया है
अब कौन सा लड़का थी? अरे मुझे प्लेमेट डफली बजाता है। अच्छा वो कितना क्यूट है ना वो। हाँ मतलब ठीक है, मुझे तो लगा उसमें बहुत एटीट्यूड है। कैसे खड़ा था वो, कैसे लड़कियों को स्माइल पास कर रहा था, खुद को हीरो समझा था, हीरो जैसे अचानक से आवाज आई। और इसने अपने बाल पीछे कर लिए, जिस कदर वो टफली से पूरा सवा बांध के खड़ा था, शायद तो बात थी उसमें है ना। अब मेरी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर तो चिंता मत कर, क्योंकि सपने में तो तुम भी टिप टॉप है। चेक, फुटबॉल भी अच्छा हाथ खेलता है। डबल चेक। लेकिन कुछ कमी रह गई यार। क्या यार, जरा दूर देख। Oh!
बल्लेबाजी के चलते हुए सेक्शन 377 हुआ रिप्लेस। बहुत बढ़िया हुआ भाई, लोगों को उनका हक तो मिलना ही चाहिए ना। पापा। हाँ यार बोलो। पापा मैं ये सब तो मैं पता है ना यार कि हर बाइसेक्सुअल चीट नहीं होता और हर ये बंदा स्वीट नहीं होता। जब सेक्शन 377 रिपील हुआ था तो फेसबुक पे हजारों आर्टिकल्स आए थे और यूट्यूब पे तो ये हैशटैग वन ट्रेंडिंग पर है। फिर पता नहीं एसआरसीसी ये टॉपिक क्यों लेकर आया। मुझे समझ आ गया अपना यार स्ट्रीट ले प्रोजेक्ट कर लो। ये निकला तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? सब लोगों ने सुन लिया होगा, जोर से बोल दिया आपने भाई। लेकिन जब सेक्शन 377 रिपील हुआ था तो इन्हीं सब ने इंस्टा स्टोरी डाली थी, हैशटैग नो कैप्शन का हैशटैग लगाने में टाइम नहीं लगा था और आप तो वहाँ भी कर रहे थे तो आप तो हो गए ना। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई हमारी हिप्पो के साथ। दिक्कत जनाब ये है कि जब मैं सुबह मेट्रो में बैठा तो इन दीदी की नज़र पड़ी मेरे पैरों पर और मेरे पैर अपने आप इधर से इधर आ गए। गॉड आई एम सपोज टू बी अ मैन। दिक्कत ये है कि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड ये जो योर चैनल आदमी होता भाई बिकॉज वी आर ब्रोस जनाब। आपने और मैंने मिलके ना बहुत प्यारे प्यारे बॉक्सेस बनाए हैं और हम ड्रामेटिक्स वालों के आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आपको पसंद है लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स लोग नहीं। तो हम करते क्या, निकल पड़ते अयान को जबरदस्ती इन्हीं बॉक्सेस में फिट करने अपनी सहूलियत अनुसार। जी बार्गेनिंग है जी, कितने का बेचा है? अरे वो तो अयान है वो वाला बस। अरे नहीं मैं सोच रहा था कि अयान को बाहर पढ़ने भेज देते हैं। अरे मेम साहब ये देखिए ड्राई फ्रूट के डब्बे पिछली दिवाली से ये घर ही पड़े, मैं ले जाऊं किसी की शादी में दे देंगे। शादी का अयान की उम्र हो गई है उसकी शादी करा देते हैं। अयान की शादी? अयान अभी वो सब तो ठीक है लेकिन अयान को ठीक कराने की बात ना, वो बाबा जी क्या कहते हैं? बोलता है सब भ्रष्ट हो गया, बाबा बोलता है सब नष्ट हो गया, लेकिन पतंजलि जी ठीक है सब भ्रष्ट हो गया। एक साथ अंदर हा हा हा, एक साथ बाहर हा हा हा, एक साथ अंदर और एक साथ बाहर, शाबाश भाई बस सुन लो सा अयान दिन में दो बार बाबा जी की जय हो। तेरा माइंड हुआ ब्लॉक, तेरा दिल भी है लॉक, तुझे देना होगा शॉक शॉक। इन सब से भी अयान ठीक न हो तो उसे मेरे पास विशाल क्या सपने देख रहे हो? तैयार हो जाओ जाना है। यारिका मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक और येलो शर्ट खरीद लो ना। बात अयान के बारे में नहीं है। अयान के बारे में मतलब? अयान ना पहले जैसा नहीं रहा है। पहले जैसा नहीं रहा मतलब उसकी हरकतें कुछ अजीब सी हो गई है। हरकतें बस अयान बदल गया है। विशाल अयान बदला तो नहीं।
बाहर जा रहे हो? हाँ जी बाहर जा रहे हो। आज जी पापा। Hi, hi. I'm Shubham. And who are you? Ayaan beta, homework khatam kiya aapne? Main. Abhi tak nahi kiya. Abhi baitho. So Ayaan, who are you? Ayaan. Who are you, Ayaan? Tu to mera beta hai na. Har cheez mein best. Ayaan, I like you. Tu to bilkul stud hai. Ayaan, beta wo nahi jo log tumhare baare mein soch. I like boys. तो क्या हुआ? और मुझे ना फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मैं हर वीकेंड अपने पापा के साथ मैचेस देखता था। मुझे ना सुबह उठाने जाते हैं, लेकिन रणवीर सिंह की कोई मूवी लगती है तो मैं हमेशा फर्स्ट देखता हूँ। मुझे ना गोल गप्पे खाना बहुत पसंद है। मैं 100 गोल गप्पे खा जाता हूँ। 100 थोड़े ज़्यादा हो गए, लेकिन 30 खा लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगा मुझे गोल गप्पे।